हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, चुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि मैं पिछले साल मेरा रानी पोखरी में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, और ये काम लगभग लगभग मैंने अप्रैल में शुरू किया था और अक्टूबर में ख़त्म हो गया था। तो मकान को प्लस्तर करके छोड़ दिया था। उसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि हम एक सीज़न में बरसात में उसको देखना चाहते थे, मकान में सीलन कितनी आती है या क्या होता है, बैठता है कहीं। इसलिए मैं 5-6 महीनों के लिए वर्कआउट हो गया था। और वर्कआउट होने का मेन कारण ही ये था क्योंकि हम एक इस रेनी सीज़न में मकान को छोड़ना चाहते थे। अब आज 2024 का सितंबर माह लग चुका है, तो अब मैं फिनिशिंग कराने के लिए फिर से रानी पोखरी में आ गया हूँ। दोस्तों, जहाँ से पिछले साल हमने अपने ब्लॉग छोड़े थे, वहीं से शुरुआत करता हूँ। और अब मैं शुरुआत कर रहा हूँ सबसे पहले पीओपी से। पीओपी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से, जो उल्टी छतों पे डिज़ाइनिंग करेगा, फॉर सीलिंग करेगा और पूरे में पीओपी करेगा। तो दोस्तों, आज से शुरू कर रहा हूँ मैं ये फिनिशिंग का काम शुरू, अपने इष्ट देव का नाम लेकर के। और आप लोगों का ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद मिलता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो दोस्तों, दिखाता हूँ आपको मैं कैसे कैसे अब हम यहाँ पे कर रहे हैं पीओपी, कैसे कर रहे हैं फॉल सीलिंग और कंप्लीट जो मकान प्लास्टर करके पिछले साल खड़ा हो गया था वो कैसा है। और जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते ही हूँ, मैं हूँ आनंद नेगी, देवभूमि उत्तराखंड से। और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आनंद नेगी ब्लॉग्स में। दोस्तों, जिस किसी भी दोस्त ने अभी तक, या जो कोई भी दोस्त अभी चैनल पे नया हो, वो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो दोस्तों, चलो देखते हैं आगे क्या क्या होता, कैसे कैसे करते हैं। तो दोस्तों, करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, चलो शुरू करते हैं वीडियो को। यहाँ से शुरू करते हैं, तीसरी मंजिल से। ये कंप्लीट हो गया, सिंटेक्स लगा दिए गए हैं 3 सेटों के लिए। एक सेट जो हमारा प्राइवेट यूज़ है, उसके लिए 500 लीटर का, ये 1000-1000 लीटर के, ये कंप्लीट हो चुका है। अब फिनिशिंग रह गई रंग करना। ये छत है, पूरी कंप्लीट हो चुकी है। ये अब इसमें सिर्फ वो करना है, फिनिशिंग करनी है, पीओपी वगैरह करनी है जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी, और उसके बाद कलर करना है टाइल पत्थर। ये ग्रिलिंग भी हो चुकी है, ये कंप्लीट प्लास्टर हो चुका है। अब इनमें टाइल बिछेंगी। ये ग्लेजिंग है, इस पर शीशे लगेंगे। ये पैराफिट कंप्लीट, सारे में प्लास्टर हो चुका है। अब दोस्तों, प्लास्टर सारा कंप्लीट हो गया तो कुछ इस तरीके से दिखता है मकान। अब खूबसूरत लग रहा है, डब्बे की तरह। अगर रंग रोगन हो जाएगा तो काफ़ी सुंदर लगेगा। वो मैंने आपको फ्रंट पोर्शन दिखाया था, और ये ऋषिकेश वाला छोर है, और ये थानों की तरफ वाला छोर है। यहाँ भी फ्रंट पोर्शन की तरह थोड़ा बना रखा है, क्योंकि इस साइड से भी रोड है। और ये है देहरादून वाला छोर। ये सबसे नीचे भूमितल, ये गैराज के लिए यहाँ से रास्ता, पार्किंग के लिए, गाड़ी खड़ी करने के लिए। ये अब यहाँ पे पीओपी टाइल लगनी शुरू हो जाएगी। ये पीओपी वाले आ गए अपना सामान लेकर के, और ये पीओपी वाले आ चुके हैं, अपना काम आज से शुरू करेंगे। ये पीओपी वाले उस्ताद हैं, सामान ले आ चुके हैं। अभी ऐसी है छत, ये देखिए, इस रूम में फॉल सीलिंग होगी। ये अभी ऐसा है, और पीओपी होने लगेगी तो मैं आपको दिखाते जाऊंगा।
ये हो गई पीओपी शुरू, पहले हो रही छत प्लान, ये दोनों उसका लगे हैं पीओपी करने में, प्लान कर रहे हैं अभी छत को। ये यहाँ बन गई पीओपी ऐसे, इधर तो नहीं करना मुझे, किधर से वो पता नहीं, वो तो बंद हो जाएगा शायद अलमारी के साथ। ये पीओपी हो रही है देखिए ऐसे, ये देखिए निकाला डिजाइन, ये निकाला डिजाइन, ये निकाला डिजाइन। ये यहाँ पे कर रहे, ये देखिए अब ये निकाला डिजाइन, ये जहाँ पे नहीं हो रहा ये दोबारा हाथ से पोत दे रहे उसको, फिर प्लेन कर दिया, फिर डिजाइन मार दिया, फिर पोता, फिर ये डिजाइन मार दिया। ये ऊपर से करते हुए चल रहे नीचे को, ये है सेकंड फ्लोर का रूम नंबर 1। तो अभी ट्यूब भी थोड़ा गीला है, पिछले साफ इतना नहीं दिख रहा, ये इसमें बना दिए गए हैं डिजाइनिंग डिजाइनिंग जो भी करनी है। ये बीच में जो जहाँ छेद दिख रहा है यहाँ पे पंखा लगेगा, और ये है यहाँ पे बल्ब लगेंगे, यहाँ पे भी बल्ब लगेंगे, और शाइनिंग तब आएगी जब रंग रोगन होएगा। ये और रूम नंबर 2 भी इतना हो गया है, ये इनकम्प्लीट अभी कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि शाम के 6 बजने वाले हैं, ये लोग अभी छुट्टी करके जाएंगे, तो काफ़ी किया इनने एक ही दिन में, जब क्या सामान सामान भी लाए हैं। ये इसमें बॉर्डर ऑर्डर सब काट दिए गए हैं, तो कल जब ये लोग आएंगे इनके नीचे फिर फूल बनाएंगे, डिजाइनिंग वगैरह करेंगे, फिर चलेंगे फॉल सीलिंग करने के लिए।